हेलो गाइस, वेलकम टू व्हीकल्स रिव्यू। तो कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो थी मेरे चैनल पे, कि इसी गाड़ी की थी वो, उसमें कह रहे थे कि ओनरशिप रिव्यू मिसिंग है, उसमें स्पेक्स की ज़्यादा बात हो गई, ओनरशिप रिव्यू थोड़ा सा रह गया। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी वो, 8-9 मिनट की, तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में मैं इसका ओनरशिप रिव्यू, जो जो भाइयों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात थी कि सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस कॉस्ट की बात करें, ये वरना SX फ्लूडिक 1.6 लीटर का इंजन में जो आती है, CRDI डीजल इंजन इसके अंदर है, और ये पावर जनरेट करती है 126 BHP की और 260 Nm का टॉर्क। और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो इसकी, अगर आप बाहर से करवाते हैं सर्विस, तो सर्विस आपको 3,500-4,000 के आसपास पड़ती है। हर 10,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है। एजेंसी से मैंने अभी तक करवाई नहीं है, तो मेरे को उसका कुछ खास पता नहीं है। महंगी पड़ेगी, आपको पता है हुंडई गाड़ी की सर्विस काफ़ी महंगी पड़ती है। पार्ट्स चेंज की बात कर रहे थे, पार्ट्स आपने कौन कौन से चेंज करवाए हैं, तो पार्ट्स मैंने ये बम्पर पूरा चेंज करवाया है, और ये फोग लाइट दोनों चेंज हुई है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गांव से बिलोंग करने वालों के लिए वरना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। क्योंकि देखो, अब भी आप देख रहे होंगे ये निकला हुआ है इसका, और इस साइड से भी ये निकला हुआ है, ये थोड़े से भी ऊंचे ब्रेकर आते ही टिक जाती है और ये क्लिप निकल जाती है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका यही सोल्यूशन है, पूरा बम्पर फिर से चेंज करवाओ और वो करो। एक ही इसका इस साइड वाला ये फोग लाइट है, ये हिलने लग गई है, ये भी इसका भी एक ही सोल्यूशन है, बम्पर चेंज होगा पूरा जब ये इसकी हाउसिंग प्लेस होगी। एक हुंडई वालों ने इसकी ये क्लिप ये तक नहीं दी, ऐसे बोले अवेलेबल नहीं, बताओ बम्पर के साथ ही आती होगी ये क्लिप भी। अब अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम ऐसा सच इसके अंदर कोई नहीं आई है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, वरना का शुरू से नाम रहा है। और फ्लूडिक के बाद तो इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस इसका और भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो कुछ ये चल चुकी लगभग, आप देख सकते हैं, 1,29,000 किलोमीटर चल चुकी है। और एक मेरे को इसके अंदर एक दिक्कत आने लगी है, इसका जो मीटर है ना, इसके अंदर पहले गियर शिफ्टिंग की नोटिफिकेशन आ जाती थी कि स्पीड अलर्ट के साथ साथ कि 40 पे चल रही है, तो अब थर्ड गियर लगाओ, फोर्थ गियर लगाओ, तो अब वो इसके अंदर आनी बंद हो गई है अचानक। पता नहीं क्या हुआ है इस मीटर के अंदर। अब अगर आपको मैं अगर वीडियो बनाऊँगा तो वो मैं ऐड कर दूँगा, कि आप अगर चलाते हैं तो गियर शिफ्ट की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि फर्स्ट गियर लगाओ, सेकेंड लगाओ, ऐसे पहले इसके अंदर आती थी यहाँ पर इस MID में, अब वो नहीं आती है। और एक इसके अंदर दिक्कत आने लगी है, इसका ये डोर है ना, ये नहीं पता इसके अंदर क्या दिक्कत है, ये देखो जब मैं इसको खोलता हूँ ना, ये आवाज़ करता है हल्की सी, पता नहीं क्या इसके अंदर क्ली पड़ी हुई है, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत आ रही है। बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मेंटेनेंस इतना अच्छा तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है कंडीशन। थोड़ी सी ये बीच कलर में है, तो इसके अंदर ये काली पड़ जाती है थोड़ा सा सीट कवर वगैरह, बाकी ड्राई क्लीन के बाद ये ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर नॉर्मल आता था, कोई वैसा वो नहीं है, ना ही मैंने कोई चेंज करवाया है, और कोई पार्ट इसके अंदर चेंज नहीं हुए हैं, बस यही जो बम्पर वाली दिक्कत है यही मैंने चेंज करवाई है। और अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा, वरना लो, क्योंकि गाँव में कहाँ ये इतनी नीची गाड़ी चलती है, टिक जाती है बार बार, और ये बम्पर की क्लिप निकलने के बाद तो है ना आपको दिक्कत ही होती है, ये ठीक नहीं हो पाती, ये बार बार क्लिप निकलती है। क्लिप को वैसे बोलते हैं, बाहर से कुछ इसके ऊपर लगा देंगे, नट बोल्ट कस देंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं है, वो भद्दा भी लगता है बाहर से देखने पे। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ अच्छे से काम करती है, ये रिवर्स कैमरा भी इसका सही दिखाता है शो, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है, ये सेंसर भी अच्छे से काम करते हैं। तो ये था इसका ओनरशिप रिव्यू, जो जो क्वेश्चन भाइयों ने पूछे हैं उसका मैंने जवाब दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।